राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया है। जिले के चंदेरिया थाना क्षेत्र के माताजी की पांडोली में भीड़ ने चोर समझकर दो लोगों की बेरहमी से पिटाई कर दी। पिटाई से बुरी तरह घायल एक अधेड़ व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि युवक का राज्य के चिकित्सालय में उपचार किया जा रहा है। युवक को भी बुरी तरह से पीटा गया है। जानकारी के अनुसार कापासन उपखंड के सिंहपुर कस्बे के रहने वाले शंकर लाल खटीक उम्र लगभग 55 वर्ष और राकेश नायक पुत्र मिट्ठू लाल नायक उम्र लगभग 25 साल झांथला मंदिर गए थे। वहां से वापस लौटने के दौरान रास्ते में दो मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए लोगों ने उन्हें रुकवाया और जबरन फिर से झांथला माता मंदिर ले गए, जहां उन्हें चोर बताते हुए लगभग एक दर्जन लोगों ने उनके साथ मारपीट की। भीड़ की पिटाई से दोनों घायल लोग कश्मोर मार्ग पर एक सराय में रुक गए और अचेत हो गए। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को सांवलिया जी राजकीय चिकित्सालय में भर्ती करवाया। जांच के बाद डॉक्टर ने शंकर लाल खटीक को मृत घोषित कर दिया, जबकि राजेश नायक का उपचार किया जा रहा है।